सर्वप्रथम बाएं गुंबद पर एक और फिर दो नवयुवकों को देखा गया। एक युवक ने गुंबज के कमल दलों को तोड़ना प्रारंभ किया और दूसरे ने ध्वजा फहराई। पहला युवक दोनों हाथों को उठाकर विजय उद्घोष करता सा प्रतीत हुआ। आयोजकों को लगा कि ये 30 अक्टूबर 1990 को हुई घटना की पुनरावृत्ति मात्र है। मंच से प्रार्थना की गई कि कोई भी कार सेवक अनुशासन न तोड़े और जो लोग गुंबद के ऊपर हैं वो नीचे उतर आए। लेकिन एक के बाद एक युवक विवादित ढांचे के गुंबदों पर चढ़ते दिखाई दिए। संघ के कार्यकर्ता भी विफल रहे इस जन उन्माद को रोकने में। समय 12:10 पर केंद्रीय सरकार को इस वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। आक्रोश और उन्माद से भरी भीड़ के सामने प्रादेशिक सरकार द्वारा की गई पुलिस व्यवस्था असमर्थ सिद्ध हो रही थी। बारह बजकर 45 मिनट पर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से कुछ और सुरक्षा दलों को भेजने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश शासन के सामने प्रश्न था कि क्या भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाना उचित है। क्या स्वतंत्र भारत में भी जनरल डायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में सन 1919 में खेले गए खून की होली को दोहराया जाना उचित होगा। एक तरफ थी ऐसी कानून व्यवस्था जिसका मानो देश की करोड़ों जनता की भावनाओं से कोई सरोकार न हो, तथा दूसरी तरफ थी सदियों से दबाई जाती रही देशवासियों की भावनाएं जो अब एक नया ज्वार बनकर उमड़ पड़ी थी। और आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता ने श्री राम मंदिर पुनर्निर्माण का जनादेश पालन करने के लिए ही तो चुना था। एक तरफ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया और सांसद स्वामी चिन्मयानंद महाराज आदि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए कानून पालन के प्रति प्रतिबद्धता के आश्वासन पत्र, जिनमें उनके मंतव्यों तथा निर्णयों की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लक्ष्य को कानूनी एवं संवैधानिक मार्ग पर चलकर ही प्राप्त करना चाहती है। और इसी के साथ थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के नीतियों की न्यायपालिकाओं, संसद तथा राष्ट्रीय एकता परिषद आदि अन्य सभाओं में की गई उद्घोषणाएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम भक्तों पर किसी भी हालत में गोलियां नहीं चलाएगी।
सदियों से संचित हिंदू जनमानस के आक्रोश के इस विस्फोट को भला कौन सी राजकीय शक्ति रोकने में समर्थ हो सकती थी। मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय श्री एच बी शेषाद्री तथा अन्य नेताओं द्वारा की गई अपील भी विफल रही। लोगों की भावनाओं का जब लगातार राज सत्ता द्वारा अनादर होता है तो अपमान की आग अचानक इसी प्रकार विप्लव बनकर फूट पड़ती है। 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पर लाखों राम भक्तों ने धावा बोल दिया और अपने प्राणों की बलि देते हुए 2:50 पर पहला गुंबद और 4:45 पर आखिरी गुंबद तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने सारी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और सत्ता को तिलांजलि दे दी।